आए जवाब मुझे भी नमाज पे लगा दिया, मुस्कुराना हंसना बस फिर शुरू हो। आज जिस घर में मैं रह रहा हूँ, मैं बता रहा था राणा साहब को, मैंने कहा ये कवि साहब ने मुझे दिया। तरावी पढ़ते थे हम अलमरा में सारे कवि साहब सारे, बल्कि कवि साहब वो लाते थे बहुत बड़ा कूलर लाते थे शरबत का गर्मी। तो मैं कहा यार मंजर तू की कर रहे हैं, मेरे को तो पैसे ही नहीं। तो कवि साहब ने सुन लिया, अबे क्या कह रहा है। मैंने कहा ये कवि साहब ऐसे झूठ बोल बकवास कर, मुझे नहीं अबे चाहिए बच्चों के लिए घर नहीं चाहिए। मैं कहा ऐसे ही कर रहा है, अबे क्या हुआ फिर ले ले मैं। मेरी बेटी का प्लॉट है तो तू भी तो मेरा बच्चा है। मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए। अबे चाहिए, मैंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे। अबे आते रहेंगे, जल्दी जल्दी बुलाओ, सुहेल साहब को बुलाओ, उधर कर ये कर, वो खंभा लगा हुआ है खुद ही, अल्लाह इनको भी जिंदगी दे। अबे पैसे नहीं है तो क्या हुआ। मैंने कहा बाबा जी देने तो है ना, अबे कर लेंगे। याद ऐसे हसीन लोग, दिल की बातें हैं पूछो पूछोगे तो बताएंगे, ऐसे मौसम फिर कब आए। मेरे नबी अलैहि सलाम ने मुझे हुक्म दिया था मुस्कुराने का, और मैं मुंह बना के बैठा हूँ, मैं मुंह ऐसे करके देख रहा हूँ, और वो इसको समझ के वो मुस्कुराहट, ये बात मेरा ख्याल कोई 35 साल की है। वो ना कभी दोबारा मिला ना कभी वो मुझे पता कौन, लेकिन एक मुस्कुराहट दे गया। तो ये तो मेरे नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है, हुक्म है। हमारे कवि साहब वो एक शख्सियत थे, मेरे ख्याल सबको उनकी मुस्कुराहट याद हो। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको जिसकी उनके साथ कॉन्टीन्यूटी ना हो। कोई ना कोई मजाक है किसी के साथ, प्यार है किसी के साथ, यानी हर आदमी मेरे ख्याल ये समझ रहा है, और कि वो मेरे दोस्त थे, मेरे से ज़्यादा प्यार था। सहाबा कराम में ये होता था कि हर सहाबी समझता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्यार करते हैं, हर आदमी ये समझता था। तो कवि साहब हजूर की सुन्नत के पाबंद थे। हमारा कितना उनके साथ सब कहते हैं ना, सीधा मैं फ़ारूक फरमाते हैं रहता हूँ, जब तक किसी के साथ सफ़र ना किया हो, लेन देन ना किया हो, उसके पड़ोस में ना रहे हो, तो आप उसको जान नहीं सकते ये है क्या। तो हमारे साथ सबके साथ उन्होंने ये सारे सफ़र भी किए। हमने तो हमसे तो लेन लेन किया, देन हमने क्या करना था, चुप करके अबे कनाडा आया ये ले सा खर्च कर ले, चुप बताइयो मैं सुहेल को ऐसी शख्स। अभी मैंने वो बताया कि वो हमारा तो सादिक ड्रेस में पिछले दिनों घर आया था उसकी बेटी के, तो मेरे ड्राइवर को उसने कहा जी वो बड़े साल पहले की बात है, मैंने कवि साहब की पेंट इस्त्री की, तो वो ड्रेस में ना यानी कि वो ड्रामे वाले ड्रेस में घर चले गए, तो मैंने वो पेंट देखी तो उसमें पॉकेट में 20,000 रुपया। तो मैंने कहीं से फ़ोन लेके फ़ोन किया कि आपकी वो अमानत मेरे पास है, अच्छा अच्छा रखो देख लेंगे। अगले दिन आए, सादिक कहता है कि मैं उनके पीछे पीछे फिर रहा हूँ, बता यार लाओ जल्दी लाओ पैसे लाओ। लेकिन वो कभी चाय पी रहे हैं कभी हंस रहे हैं, तो मैं खुद गया, मैंने कहा कवि साहब आप हाँ चलो लाओ, कहाँ कितने 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 20 है चलो रख लो। उस जमाने का 20 लाख चलो रख लो। कहता मैंने घर जाके कहा यार वो जो मकान रुक गया था बनने के लिए शुरू कर दो, बना काम रहता उस वक्त का 20 लाख। ये चीजें हमने देखा, अब वो वापस तो नहीं आएंगे, वो तो एक जगह पे चले गए, वापस नहीं आना, और हमने उनके पास जाना। लम्हा लम्हा करीब आते हैं, मरने वाले जुदा नहीं होते। जैसे बाबा जी को गए हुए अगर 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो हम 4 दिन का सफ़र तय करके उनके करीब चले गए, अब हमने उनके पास जाना है। तो वो जो हमें ये नसाएँ छोड़ गए हैं, वसीयत हमें कर गए हैं अपने अमल के साथ, अपने अमल के साथ जो वसीयत कर गए हैं कि मुस्कुरा के मिल लेना, कुछ नहीं दे सकते, हुजूर की सुन्नत है सब, मुस्कुरा के मिल लेना, हो सके तो किसी की मदद कर देना, किसी को रोक अपने दुखड़े मत सुनाना, हाँ उसके सुन लेना, उसको टाइम देना, पक्के नमाज के पाबंद। अभी सुहेल साहब कनाडा गए तो कहते हैं एक ही उनको मुसीबत पड़ी हुई थी, यार मुझे नमाज याद नहीं रहती,
बीमार थे, तो इन्होंने कहा जी बाबा जी अल्लाह ने जो नमाज फ़र्ज की है वही आपको मालिक है, अगर भूल जाती है तो कोई बात नहीं, फिक्र नमाज की। जिंदगी में मुस्कुराहट, ये मुझसे नाराज़ ना हो, ये मुझसे खुश जाए, नमाज के पक्के पाबंद, रमज़ान के रोज़ों के पाबंद, तिलावत के पाबंद, और जो ही शुरू की मेरे सामने शुरू की, मुझे आए जवाब, मुझे अभी नमाज पे लगा दिया, मुस्कुराना हंसना, बस फिर शुरू हो। ये उनके जो आमाल हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होने चाहिए, जो ऐन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। मेरे आका अलैहि सल्लम ने फरमाया, एक जनाजा जा रहा था, आपने सहाबा ने तारीफ़ की तो आपने कहा वाजबत वाजबत, फिर दूसरा जनाजा जा रहा था, फिर सहाबा ने कहा ये अच्छा आदमी, आपने कहा वाजबत वाजबत, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दोनों दफ़ा वाजबत कहा, तो फरमाया जब तुमने उस मरने वाले की तारीफ़ की तो मैंने कहा जन्नत इस पर वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। और अल्लाह ताला इंसान की गवाही इंसान के हक में सबसे ज़्यादा कबूल फरमाते हैं, इसलिए फरमाया अपने पीछे रह जाने वालों में ऐसे गवाह बना जाओ, हमें ये हरगिज़ हमें हमारा देर नहीं होना चाहिए कोई क्या कहता है कहता रहे, नहीं अच्छा ही कहे। इब्राहिम अज़म की दुआ है, रब्बी हबली हुक्म वल हिकमत फिस सालिहीन वजअल लिसाना सिदकिन फिल आखिरीन, या अल्लाह मुझे अपना हुक्म अता फरमा और मेरे बाद में जो मेरे लोग आएंगे वो मेरी तारीफ़ करें। ये नबी की दुआ है और कुरान में है, ये नहीं कि जो जी में आया कहता रहे, नहीं अच्छा कहे, अल्लाह उसकी गवाही को कबूल करते हैं। बल्कि एक हदीस में यूँ भी आता है इसका मुहमा ऐसे कुछ में कि अल्लाह ताला बंदे से कहेंगे ऐ मेरे बंदे मैं तो तुझे जानता हूँ तू क्या है, अल्लाह ताला दिलों के हाल को जानते हैं, लेकिन ये जो तेरे दोस्त ये तेरे रिश्तेदार ये जो तुम्हारे मिलने वाले तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं उसको रेफरेंस करूँगा, उसको रेफर करूँगा, उसको प्रेफरेंस दूँगा कि वो जो कह रहे हैं मैं तुझे वैसे ही कर देता हूँ, हालांकि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन लोग जो कह रहे हैं तू अच्छा था तो तू अच्छा, कितनी बड़ी बात। कैनेडा, इतनी दुनिया कैनेडा तो रही नहीं, कैसे जोक डर जोक, लंदन से फ्लाइटें करा करा के लोग जा रहे हैं, तो आखिर कोई दिलों में रास्ता था ना, कोई दिलों में जगह थी ना। आज हमें भी उनके इस हतम शरीफ पे इस जो हमारे अभी नमाज जनाजा पढ़ी साहबाना, ये नियत करनी चाहिए कि हम भी ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि जब हमारा जनाजा जा रहा हो तो लोग हमारी भी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे लिए भी हाथ उठ रहे हैं और दिल से उठ रहे हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर कुछ यो असल है रफ़त पे नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। तो हमारे उठे हुए हाथ उनके लिए ये दर्जा है, जैसे हमने अभी कुरान शरीफ पढ़ा है, पढ़ते रहेंगे सारी ज़िंदगी पढ़ेंगे, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, लेकिन ये जो एक दिल से जो उनके लिए जो दुआएं निकलते चली जा रही हैं, ये किसी भी तोहफे से कम नहीं। मरने वाले को हम क्या दे सकते, इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल मौतु तोहफतुल मोमिन, मोमिन के लिए मौत तो तोहफा है, वो वहाँ चला गया जहाँ ये गम नहीं ये फिक्र नहीं। जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फौत होने लगे तो बेटा रोने लगा, तो फरमाने लगा बेटा क्यों रोते हो, तेरे से बेहतर के पास जा रहा हूँ, तेरे से बेहतर के पास जा रहा हूँ और अपने से बेहतर के पास छोड़े जा रहा हूँ, रब के पास जा रहा हूँ और तुझे रब के हवाले करके जा रहा हूँ। ये मौत मौत है, ये तो ट्रांसफर है, हल जाना ही जाना है। हम जो उनके ही फील्ड के लोग हैं सब जानते हैं, इसी फील्ड में सारी जिंदगी गुजारी। मैंने भी तारिक टेंडर जनाब जी कहा कि मैंने कहा भाई आप किसी को मिले बगैर किसी के करीब आए बगैर कैसे उसके बारे में फैसला कर देते हैं, आप जानते नहीं उसको, एक दफ़ा मिलकर तो देखें, उसके लेन देन तो देखें। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह हमारी फील्ड में ऐसे ऐसे नेक लोग मौजूद हैं
ये जो हम गीबत करते हैं ना, हमें आदत पड़ गई है एक दूसरे को बुरा कहने की, हालांकि खूबी ढूंढे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा लाया गया, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा आदमी नहीं था, आप इसका जनाजा मत पढ़ाइए। तो आपने फरमाया कि ठहर जाओ, कोई मजमे में ऐसा है जो इस आदमी को जानता हो और इसकी कोई नेकी उसको याद हो? तो एक साहबी उठे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने एक मुसलमानों की जमात के पहरे में रात गुजारी थी, उनकी हिफाजत में खड़ा रहा था। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर पीछे हट जाओ, इसकी नेकी सामने आ गई है, मैं जनाजा पढ़ूं। तो अल्लाह उसका रसूल तो एक 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 नेकी, एक एक नेकी को कह रहे हैं कि आ जाओ मैं तुम्हें जन्नत दे दूं। हमारी बहन है नरगिस, अभी मुझे परसों तो कैनेडा बात हुई, कहने की जवाब साहब, अल्लाह ताला तो हमारी ताक में है कि कोई नेकी का काम करो मैं तुम्हें जन्नत में दूं, एक कर दो। और फिर कहने लगी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं भी आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैंने तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम से वादा कर लिया है कि मैंने तुम्हारी बख्शिश करनी है, तो मुझे वादा पूरा करने दो, आ जाओ, आ जाओ। कैसी अच्छी बात की, मैंने कहा मैं तुम्हारी बात बताऊंगा, किसी की अच्छी बात को बताना है, बुरी बात को छुपाना है। हजूर की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका मिन खलील माकरिन अयना तरजान व कल्बुहु जरान इन हसन दफना व इन सईदन अफशाह। या अल्लाह, हजूर की दुआ है, या अल्लाह ऐसे मकरू दोगले दोस्त से पना अता फरमा जिसकी आँख कुछ कहे, दिल कुछ कहे, मुँह से कुछ कह रहा हो, दिल में दिमाग में कुछ और कह रहा हो, जब वो मेरी नेकी को देखे, अच्छाई को देखे तो दफन कर दे, बुराई को देखे तो लोगों को बताना शुरू कर दे। पनाह मांगी गई है ऐसे ऐसे दोस्त से। क्या मैं तो नहीं वो दोस्त जो लोगों की बुराइयां बताता हूँ? क्या मैं तो वो दोस्त नहीं लोगों की अच्छाइयां छुपाता हूँ कि लोग तो उसको बुरा कह रहे हैं, यार कहने तो मैं भी साथ एक आध लफ्ज़ कह दूँ? नहीं, किसी की गैर मौजूदगी में किसी बहन भाई के खिलाफ को बात कर रहा हो, वहाँ को रोकना अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब। अल्लाह कहता है तूने उसकी इज्जत रखी, क़यामत में मैं तेरी इज्जत रखूँ। हुमज़ा क्या है कि उसका भाई जा रहा है, उसकी बहन जा रही है, तो पीछे से इशारे कर रहा है कि दो नंबर है, ऐसे अल्लाह कहता है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्यों इशारे गलत किए? कुरान है वैल को तो तबाही, तबाही है उसको। हुमज़ा जो जबान से भी कहता है, एक दूसरे को बुरा कहने के हमें आदत पड़ गई है, थोड़ा सा गौर करें तो उसमें कितनी सारी अच्छाइयाँ निकलेंगी, कितनी। यही मिट्टी है ना, इसमें से गारा भी निकल आता है, सांप भी निकल आता है, और इसी मिट्टी में से आम भी निकल आता है। देखो तो सही, गौर तो करो, सारे इंसान तो बुरे नहीं हैं। ये हम लोगों की आदत, हमें इस पर तौबा करनी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा उम्मती झूठ नहीं बोल सकता, हमें आज झूठ से तौबा करनी है। ये सबसे बड़ा एहसाले सवाब है कि मोहम्मद कबीर खान रहमतुल्लाह अलैह की एहसाले सवाब की मजलिस में मेरे फलां फलां बंदे ने फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं अल्लाह की पसंद वाली ज़िंदगी गुजारूँगा, आज के बाद मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद वाली ज़िंदगी गुजारूँगा। और कभी साहब सिर्फ हम ही से नहीं प्यार करते, हमारी बीवियों से, बच्चों से। आज जिस घर में मैं रह रहा हूँ, सुबह बता रहा था राणा साहब को, मैंने कहा ये कभी साहब ने मुझे दिया था, तरावी पढ़ते थे हमारे लमरा में सारे कभी साहब सारे, बल्कि कभी साहब वो लाते थे बहुत बड़ा कूलर लाते थे शरबत का गर्मियों में, तो सबको पिलाते थे। तो मंजर मीन भाई ने कह दिया, वो भी अल्लाह के पास चले गया, भाई दोनों सारे मिले होंगे सारे, तो उन्होंने कहा जी ये जवाब साहब ने मकान बनाना है तो उनको ज़मीन चाहिए, वो आपका प्लाट है। तो मैं कहा यार मंजर तू की कर रहे हैं, मेरे को तो पैसे नहीं। तो कभी साहब ने सुन लिया, अबे क्या कह रहा है? मैंने कहा ये कभी साहब ऐसे झूठ बोल बकवास कर, मुझे नहीं, अबे चाहिए बच्चों के लिए, घर नहीं चाहिए। मैं कहा ऐसे ही कर रहा है, अबे क्या हुआ फिर ले ले, मैं मेरी बेटी का प्लॉट है तो तू भी तो मेरा बच्चा है। मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, अबे चाहिए। मैंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे? अबे आते रहेंगे, जल्दी जल्दी बुलाओ, सुहेल साहब को बुलाओ, उधर कर ये कर, ये वो खंभा लगा हुआ है, खुद ही अल्लाह इनको भी ज़िंदगी दे,
ये भी वो काम कर रहे हैं, किन के पीछे भी हाथ उठ रहे हैं, हम सारे करते हैं, सारे करते हैं, सारे। तो वो आज मैं कहा जिस घर में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आज माशाल्लाह सुबह वहाँ 20-25 आदमी कुरान पढ़ने आते हैं, मैं कहा ये सारा सवाब उनको जा रहा है। मकान किसी को बनवा देना आज के दौर में कोई मामूली बात, तो आज अच्छी जगह कहाँ, अबे पैसे नहीं है तो क्या हुआ। मैंने कहा बाबा जी देने तो हैं ना, अबे कर लेंगे। याद ऐसे हसीन लोग, दिल की बातें हैं, पूछो पूछोगे तो बताएंगे, ऐसे मौसम फिर कब आए, ऐसे हसीन लोग, ऐसे अच्छे लोग, ऐसे प्यारे लोग। हम सब ही प्यारे हैं, मगर सिर्फ ढूंढना है। माओ को हम अच्छे नहीं लगते, अपनी माओ को अच्छे लगते हैं, नहीं लगते बेशक, अपनी बेटियों को अच्छे लगते हैं, सब बुराइयों के बावजूद हम उन्हें अच्छे लगते हैं, हम अल्लाह को अच्छे लगते हैं, तभी तो रोज खिलाता है, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अच्छे लगते हैं, तभी तो हमारे लिए दुआएं चल रही, तो हम एक दूसरे को क्यों बुरा कहें। क्या जरूरत है हमें वक्त जाया करने की, यही अल्लाह की तारीफ करके, हजूर की तारीफ करके। एक दफा अम्मी जान आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला कह दिया हजरत अम्मी सफिया के बारे में, जो कद की छोटी है इतने भाई, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहा कि आयशा आपकी जबान में जो आपने बात कही, अगर इसको कड़वे समुंदर में, मीठे समुंदर में डाल दें तो कड़वा हो जाए, यानी इतनी सी बात। इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक दोस्त मांगने आया कुछ, आपने उसकी मदद की और रोना शुरू हो गया। बीवी ने कहा आपने मदद क्यों की अगर रोना ही था। हाँ क्या इस बात पे नहीं रो रहा, इस बात पे रो रहा हूँ कि मुझे खुद उसके पास क्यों ना मैं गया, मुझे खुद क्यों ना पता लगा कि मेरा दोस्त रो था। पहले बैठ की शान, फिर आप खड़े थे अपने घर में, तो एक आदमी आया नौबारत अजनबी, तो आके आपको बुरा भला कहने लगा। आप खामोशी से सुनते, कायनात की सरदारी है, नवासा रसूल है, जन्नत के सरदार हैं, शहजादे हैं, तो बुरा भला क्या सोचा। जब वो थक गया तो आपने खादिम से कहा इसको अंदर से जाके इनाम और इकराम से नवाजो, वो अशरफियाँ और जो कुछ था उसको दिया। तो उसने क्या, ए हम शक्ल रसूल जैसा सुना था बढ़ के पाए, क्या हमें सिखा गया। हज अली रजी अल्लाह के पास एक बूढ़ी आई कि मेरी बेटी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो मुझे कुछ शहद चाहिए, वो छोटा सा बर्तन लेके आई, तो आप अलैहिस्सलाम अंदर से पूरा बोका शहद का भर के ला के उसको दिया। तो वो कहने लगी हजरत मेरी तो इतनी ज़रूरत नहीं है। साथियों ने कहा जी वो उसको तो इतनी ज़रूरत नहीं है, उसने छोटा था। तो फरमाया उसने अपने ज़र्फ के मुताबिक मांगा है, मैंने अपने ज़र्फ के मुताबिक देना है, बढ़ चढ़। तो यही आज हमारा फैसला होना चाहिए अपने बारे में, दूसरों के बारे में। ये जो हमारी उंगली यूँ है ना, ये नहीं ठीक, ये यूँ, तू तो ठीक हो जा, पीछे में देख ले भाई तू तो सही हो जा, जब सारे बुरे थे तू तो सही हो जा, दुनिया में एक इंसान तो सही हो जाए, एक इंसान, अगर एक इंसान सही हो गया तो दुनिया एक इंसान सही हो गया ना, और मैं क्यों ना हो जाऊँ। तो आज कवि साहब के इस हमारी मजलिस में मौल साहब की बड़ी शफकत के इन्होंने आज हमें आदत बख्शी।